फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। पिछले काफी समय से आशंका जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद आजम खां को अपनी हठधर्मिता भारी पड़ सकती है। आजम खां को उनकी पत्नी तंजीम फातिम व बेटे अब्दुल आजम खां को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 मार्च तक जेल भेजा है। हालांकि उनके पास अभी जिला जज से ऊपर की अदालत में जाने का अख्तियार होगा। रामपुर के ADG 6 की अदालत ने यह आदेश दिया है। बता दें कि अभी तक सपा सांसद पर 88 मुकदमे दर्ज है और उन्हें भू माफिया भी घोषित किया जा चुका है। वे काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। गैर हाजिरी के चलते कई बार कोर्ट ने आजम खां, बेटे अब्दुल आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए थे। आज वो पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक वह भी समय रहा है जब समाजवादी पार्टी के शासन में सल्तनत उनके घर व उनकी उंगलियों के इशारे पर चलती थी। उनके घर से भैंस चोरी का मामला भी उन दिनों काफी सुर्खियों में रहा था। आज जिस पुलिस ने उन्हें कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उसने आजम खां की चोरी गई भैंस ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। दरअसल आजम खां अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। भारत माता को डायन कहने वाले आजम खां ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी BJP सांसद रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी की थी। अखिलेश सिंह ने हालांकि उनका समर्थन किया था, लेकिन गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्हें भाजपा सांसद रमा देवी से सार्वजनिक रूप से लोकसभा में माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा रामपुर में अनेक किसानों ने उनके खिलाफ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उनकी जमीन कब्जाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आजम खां के खिलाफ पिछले दिनों जमीन कब्जाने के साथ ही किताबें, यहां तक कि बकरी चोरी तक के मुकदमे दर्ज हुए हैं। आजम खां को भूमाफिया घोषित किया जा चुका है। करीब 88 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। अदालत लगातार उनके खिलाफ समन जारी कर रही थी, लेकिन वह और उनका परिवार पेश नहीं हो रहा था। आज लखनऊ में ADG 6 की अदालत में वह पेश हुए, जहां से उन्हें 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी हो गए। 2 मार्च से पहले वह अपनी बात रखने व राहत पाने के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।